वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। माशाल्लाह से रमजान इतनी जल्दी गुजर गए, चांद रात भी हो गई और कल ईद का पहला दिन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, मतलब एक्साइटेड भी हूँ। यू गाइस नो द रीजन। एनीवे, सो आज चांद रात है। चांद रात में घर में क्या क्या होता है, क्या क्या इत्माम हो रहा होता है, सारी चीज़ें आज आप इस व्लॉग में देखेंगे। मेहंदी वगैरह भी लगवानी है तो ये सारी चीज़ें आज इसी व्लॉग में होंगी। सो देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, बहुत मजा आएगा। सो यार कीप सपोर्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। मामा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक कमर। आप सबको भी चांद मुबारक हो मेरी तरफ से, रबी का तुम्हें भी मुबारक हो। तैयारी लग रही है, आप तो अभी से तैयार हो गए माशाल्लाह। अब चांद रात को बंदा तैयार ना हो, घर में एहतमाम ना करे तो फिर क्या ही मजा ही। जो बात है, चले अभी बता दे क्या बनने जा रहे हैं। मैं बनाऊंगी शीर खोरमा। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे खोपरा, और ये जो है छुआरे हैं, ये बादाम है, ये पिस्ते हैं, ये राइस है उसको पीस के रखा हुआ है, और ये है चीनी, और ये हैं दूध के बहुत सारे डब्बे। खैर अब हम दूध चढ़ाते हैं, फिर बताते हैं। much later। दूध हमने पतीले में डाल लिया है और अब हम इसके अंदर आंच जला रहे हैं, इसके नीचे आएंगी। और इसको हम कितनी देर तक कढ़ाएंगे मम्मा? घंटे अरे अल्लाह, इतनी मेहनत कौन करेगा दो घंटे बाद। शीर खोरमे का तुम्हें पता है, ये तो फास्ट बनता है और लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। ये दो घंटे बाद हम आपसे। यहाँ पे बन रहा है शीर खोरमा, और शीर खोरमे का दूध जो है वो चढ़ा दिया है। यहाँ पे बन रहा है कचरी कीमा, वाह वेरी नाइस। और ये बच्चा क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये है क्या बदतमीजी हो रही है। अभी अंदर रूम है, मम्मा की मेहंदी लग रही है, मम्मा के बाद मेरे लगेगी, तो देखते हैं कैसी मेहंदी लगती है हमारी। मम्मा की मेहंदी लगना शुरू हो गई है। और ये डिजाइन आपने चूज किया है, ये वाला। लेट्स सी कैसा लगाती हैं आप, बेस्ट ऑफ लक आपको। इसके बाद आपको मुझे भी अच्छी लगानी है, इंशाल्लाह अच्छी सी, और रंग भी अच्छा आना चाहिए। मैटर जो करता है वो असल रंग ही होता है कि आपके हाथ, तो फिर रंग अच्छा होना चाहिए, मेहंदी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा इससे ये बताएं कि मेहंदी जो होती है उसका रंग अच्छा होना चाहिए या फिर कोई और से ही मामला आते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। कोई कहता है, बिल्कुल है, मामला है। वो क्या है, वो ये है कि कोई कहता है कि सास ज्यादा मोहब्बत करती है, मोहब्बत और शौहर ज्यादा मोहब्बत, और जिनके शौहर ना हो उनका होंगे तो ना भी शादी होती है। आने वाले मोहब्बत करें। चांद मुबारक। मम्मा के बहुत ही प्यारे साथ में बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लग चुकी है, मम्मा जरा दिखाएं। वाओ वेरी नाइस, मम्मा अच्छे लग रहे हैं हाथ आपके तो। थैंक यू। अब मम्मा पहुंच गई जो मम्मा बना रही हैं। मम्मा ने कहा है अब तुम भी लगवा लो, और फिर जब तुम्हारे हाथ पे लग जाएगी तो फिर मैं दूसरे हाथ पे लगवा लूंगी, फिर अपने दूसरे हाथ तुम्हारे लगवा लूंगी। ये सारी चीजें चल रही है। शीर खोरमा जो रेडी हो चुका है, और ये कचरी खीमा भी गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है। और अभी आप लोग अभी लड़कियों का ना मेहंदी वाला जो सीन होता है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकते, मैं दिखाता हूँ आप गुरु। मुंह से बोलेगा कौन? मेरे घर में एक मेहमान भी आई हुई हैं जिनकी लग रही है मेहंदी, और जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद मेहंदी लगाना, आज जबरदस्ती इनको बुला के मैं इनके मेहंदी लगवा रही हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। इतना नहीं, थैंक यू के लिए नहीं कहा मैंने, ज्यादा ओवर नहीं हुए। नहीं नहीं ओवर होने की लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद काट दो।
नहीं अच्छा लग रही है, इधर देखे अच्छी लग रही है आप, नेचुरल ब्यूटी माशाल्लाह। सजनाओं के नाम लिखे जा रहे हैं माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। हमने क्या लिखवाया था दिखाए, लो भाई ईद मुबारक लिखवाए बस। हाँ ईद मुबारक, तुम भी ईद मुबारक, ईद मुबारक खैर मुबारक लिखवा देती हूँ। सही है, जो भी बोलेगा ईद मुबारक बोलूंगी लो खैर मुबारक। ये मेरे घर के शैतान बच्चे दो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हिंदी और आप लोग देख सकते कितनी प्यारी लग रही है, मैंने नेल कलर भी लगा लिया है। और अभी मैं आप लोग को टाइम दिखा दूँ कि इस वक्त क्या बज रहे हैं, 4:15। और मुझे पता नहीं बहुत शिद्दत वाली नींद आ रही है, मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है, बाबा आराम कर रहे हैं, खुरैम साहब गए हुए हैं, जरी साहब भी गए हुए हैं, और ये एक पीछे जो है ना मोटू बच्चा ही खड़ा हुआ है जो कि दिमाग खराब करके रख गया। और इसने पता है क्या किया है, मम्मा और मेरे मेहंदी लग रही है और इन साहब ने क्या किया दिखाए जरा, आए आपने उतार दिए, ये दिखाएं, ये देखें, हैं हैं मेहंदी सॉक्स पहन ली है, क्यों पहने, मेहंदी झड़ रही थी पैरों में लग रही थी, पूरे पैर गंदे हो गए, पैर गंदे हो गए पूरे। ओह मैंने भी सॉक्स पहन लिए क्योंकि मेरे भी पैर गंदे हो रहे थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, आओ गले लगाओ अपने बेटे को। नहीं, नहीं। आओ मेरा बेटा, मेहंदी लग जाएगी, नहीं लगेगी सूख गई, आओ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरा बच्चा, मेहर के लगा दो मेहर, इस तरह तो माहिर है यार, खाना तो खिला दे, कुछ मिठाई शिटाई कुछ तो खिला दे, मिठाई है जाओ जाए मिठाई लेकर, नहीं मैं नहीं खा रही मजाक कर रही हूँ, मिठाई भी है शीर खोरमा भी है और कचौरी भी है, कचौरी कौन सी है बाबा लाए, दो कौन सी है पता नहीं कौन कौन सी है, चाय बना दे मम्मा, मैं चाय जरूर बना देती हूँ मगर मेरी इस वाले हाथ की मेहंदी गीली है, कैसे चाय बनाऊं, मेहंदी में हाथ गीले हैं, मैं ये चाय बना दो, इधर आओ तुम पहले इधर आओ, अपने क्या हुआ तो भी नहीं आवाज तो ता हो गया, तो भी नहीं हो गया, खराब हो जाती है आवाज, बड़ी अच्छी हो गई तुम्हारी मम्मा की मेहंदी, चेक करें माशाल्लाह मम्मा बहुत ही खूबसूरत हाथ लग रहे हैं, ईद मुबारक, वही सर पीछे करो, ईद मुबारक, यहाँ पे लगाई है आपने, नहीं बस यही लगा ली, ये बहुत है मम्मा, आपके इस साइड पे मैं लगा दूँ, नहीं बस मम्मा लगाने देना, दिल कर रहा है कीड़े मकोड़े बनाने का। खैर मजाक की बात अलग है, लेकिन मुझे मेहंदी लगाना आती है, इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन यू नो गुजारे लाइक आती है, महीर आपके लगा, हाँ 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 बोलते जी जी। सो आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आया होगा, अगर मजा आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, बाकी जैसे जैसे होता रहेगा आप लोग से व्लॉग शेयर करती रहूंगी, सो या कीप सपोर्टिंग कीप लविंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।